किस तरह का लीवर दिया गया ये सारे आगे पीछे को चलाने के लिए, इसमें क्लच नहीं होता। हाँ ठीक है जी। ये दोनों ब्रेक हो गए नीचे वाले। हाँ जी। ये एक्सीलेटर होगा, एक्सीलेटर होगा जी। इसमें क्लच का, ये तो जेसीबी कंपनी वालों को नाम है, जिसने बनाई है ये, जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो है जेसीबी। बाकी से बोलते हैं बैकहो लोडर, बैकहो लोडर। बहुत लीवर आ जाते हैं, फिर इन लीवरों से हम अपने बूम चलाते हैं जी। इन लीवरों से जी। अब ये क्या होता ये है? सर इसके स्टेबलाइजर, जो हमारी मशीन आगे। नमस्कार किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। और आप जानते हैं जैसा कि पहले ही, मैं रवि, और आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जेसीबी के बारे में, जो कि घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का सेकंडों में करती है। और जो इनके केयर टेकर हैं, अगर आप भविष्य में आप जेसीबी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, यहाँ पर आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी। नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों का अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम जी कमल सैनी है, मैं पवड़ से गांव को रहने वाला हूं जी। ये हम किसान लोग ही हैं जी, जी जो हमने अपना कारोबार चलाने के लिए जेसीबी जी जी ट्रैक्टर बना रखे जी। जी तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपकी ये जेसीबी है आपके पास कितने समय से है? ये तो जी कम से कम 12-13 साल हो गए। 13 साल से है। और आपका एक्सपीरियंस कितना है जेसीबी चलाने का? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं कम से कम 11 साल से मशीन चला 11 साल से जी चला रहे हैं जी। एज है मेरी 22 साल। अच्छा अच्छा चलो। अगर हम बात करते हैं इसके जेसीबी के इंजन की, तो इसका इंजन कितने हॉर्स पावर में होता है? इंजन है जी इसका 55 में। 55 हॉर्स पावर में। और कितने सिलेंडर में होता है ये? ये 4 में है जी। 4 सिलेंडर में है। और अगर हम बात करते हैं इसके आगे की तरफ, आ जाइए आप, तो अगर जैसे कि इसका झब्बा है, एक बार में ये कितना लोड उठा देता है? ये एक बुग्गी करीब मट्टी पूरी उठा लाता है एक बार के में। अगर जो जबरदस्त बॉकेट भरे जाए हमारा लोडर, तो बुग्गी पर झिलता नहीं है। और अगर जैसे कोई जेसीबी लेना चाहता है तो वो क्या क्या ध्यान रखता ध्यान रख सकता? ये तो जैसा अगर जैसे बाइक के कागज हो गए, हाँ जी, जितने प्रदूषण गाड़ी कागज हो आज सब चीज होगी, ऐसे ही इनका सिस्टम है जी। हाँ जी। बस ये है, अगर कहीं तुम हाइब्रिड चलाओगे, आईटीआई से जो चले हैं ये सरकारी अधिकारी, हाँ इनका खतरा रहना पड़ता। अच्छा। लोकल में तुम कुछ मत रखना। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। अच्छा। तो इसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब कुछ पक्का होता है? पक्का हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा जी जी। और अगर हम इसका जो बड़े वाहन में लगते हैं जो, हाँ हाँ हाँ, ये बड़े वाहन में लगते हैं तो इसलिए हैवी लाइसेंस होना जरूरी चाहिए। अच्छा। और अगर हम इसके डीजल टैंक की बात करते हैं, तो डीजल टैंक कितने का होता ये है? ये सर 120 लीटर का टैंक है आपका। 120 लीटर का। कितने घंटे चल जाता है ये? ये चलती है कम से कम 30 घंटे अगर ऑपरेटर अपने हिसाब से चलाएगा तो, अगर जो पेल के चलाएगा तो 25 से 26-27 घंटे के करीब चलती है। अच्छा जी। ऑपरेटर का हाथ में हाथ। एक घंटे में कितना तेल खा लेती है ये? खाती है जी 4 लीटर जो किलो सर इंजन में है इस टाइम। 10 मॉडल मशीन हमारी ये वाली, और जो हमारी नई मशीन है 20 मॉडल, जो जेसीबी कंपनी ओरिजिनल इंजन है उसका, जेसीबी कंपनी का, उसमें रहता है कम से कम तुम्हारा 4.5 से एवरेज है उसका 6 तक। 6 तक का जी। और अगर हम जैसे इसकी स्पीड की बात करते हैं आगे की तरफ, तो कितनी स्पीड से चलती है ये? फिलहाल तो अभी हमने पूरी रेस नहीं खोल रखी, अगर पूरी रेस खोलेंगे तो 40 पे ये भाग जाएगी। फिलहाल तो हम इसका 25 पे भागती है, 25 तो 25 भी फिर भी काफी बहुत काफी है, जहाँ को ये लिगड़ती है मैंने धूल रख चली जाती है। अच्छा जी। और अगर इससे हम वेट उठाने की बात करते हैं, एक बार में वो कितना वेट उठा देते हैं, कितना वजन? देख लो जो डबल जुटर है ट्रॉली, जब गंडे भर लें उसको पीछे उठा देती है वो। अच्छा, देख लो आप कितना वेट रहता होगा। हाँ काफी रहता है उसमें, क्योंकि मैंने खेत से अपने हाथ से खुद ही लगा दिया ट्रॉली। हाँ हाँ। तो अब जैसे कि ये दोनों तरफ से, इधर से भी वेट उठाती है और उधर की तरफ से भी वेट उठाती है, हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों का अलग एक बराबर ही वेट उठाती है कुछ अलग? इसका ज्यादा पोजीशन है, उसकी थोड़ी कम है। अच्छा, लगभग कितना होगा आपके हिसाब से? बस नुमान। अच्छा, तो इसका अपना वेट कितना है टोटल? इसका सर 85 क्विंटल वेट है। जो न्यू मॉडल आ रहा है अब उसका 73-72-74 करीब में है। अच्छा, एक बार आप हमें इसे अंदर से दिखाइए, अंदर से के अंदर से इसे जो है मतलब किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें आप किसान भाइयों आज देखेंगे कि किस तरह से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, कहां से ये चलती है। और देखिए किसान भाइयों, इसका प्लेटफॉर्म देखिए बहुत ही बढ़िया है। ये एक यहाँ पे जो है एक हत्ता कुंदिया दिया गया है इसे आप पकड़ने के लिए, यहाँ से कंफर्टेबल आप चढ़ सकते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? हाइड्रोलिक टैंक है जो प्रेशर बनाता है रैंपों का। अच्छा 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 अच्छा, मतलब जो ऑयल बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, तो जो इसमें ऑयल भरा होता है और जिससे ऑयल जाता है और ये अपना मतलब ऊपर उठता है। अच्छा जी, चलिए देखिए इसकी कितनी कंफर्टेबल सीट दी गई है, और घंटों तक आप इस पर बैठकर कार्य कर सकते हैं। आ जाइए, आप बैठो, मैं तो यहाँ को बैठ जाऊंगा।
तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये पावर स्टेयरिंग है, किस तरह का स्टेयरिंग है ये पावर स्टेयरिंग है जी? ये सर पावर स्टेयरिंग है इसका। हाँ जी, अगर इसको हम लॉक करते हैं, मशीन बंद कर देंगे, हाँ, तो गाड़ी का ढाल लॉक हो जाता है जी, कटता नहीं है। हाँ, और जब मशीन को स्टार्ट करता है बिल्कुल ऐसे तो उंगली के ढाल घुमाओ जैसे पानी में उंगली घुमा रहे। मतलब इसका स्टेयरिंग कहने के लिए कह सकते हैं कि कार की तरह है, बहुत ही स्मूथ शानदार है। अच्छा, और ये क्या लीवर दिया गया? ये सर आगे पीछे को चलाने के लिए, इसमें क्लच नहीं होता। हाँ ठीक है जी। ये दोनों ब्रेक हो गए नीचे वाले। हाँ जी, ये एक्सीलेटर होगा, एक्सीलेटर होगी। इसमें क्लच का कोई सिस्टम नहीं है, वैसे ही जो इलेक्ट्रिशियन करवा रखा था जुगाड़ सा, तो इसको अगर जैसे ज्यादा आगे पीछे करनी पड़ती है तो इसलिए इसका क्लच नहीं दिया गया। अच्छा, ये जो जेसीबी है, इसे जेसीबी बोलते हैं, इसका नाम कुछ और है? इसका नाम तो कुछ और है, इसको बोलते हैं बैकहो लोडर। बैकहो लोडर, बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि जो भी कोई बोलता है वो इसे जेसीबी बोलता है, लेकिन एक्चुअल नाम इसका क्या है एक बार फिर से बताइए। इसका नाम है सर बैकहो लोडर। बैकहो लोडर, अच्छी बात आपने मुझे बताई, मुझे भी जानने के लिए मिली। और ये क्या क्या होता है? ये सर लोडर का लीवर हमारे अगले झब्बे का। अच्छा, ये अगला झब्बा यहाँ से ऑपरेट होता है, कंट्रोल करते हैं अगला झब्बा ऊपर नीचे को उठता है। और ये दूसरे, ये सर गियर है इसका, गियर लीवर। अच्छा, कितने फॉरवर्ड? ये चार गियर में है जी, चार। पहला यहाँ पर लगा, दूसरा और जैसे ट्रैक्टर में लगता है ऐसे लगता है सर इसमें, ये चौथा गियर आ गया हमारा, तो चौथे पे स्पीड इसका पिकअप बहुत बन जाता है। अच्छा अच्छा, और ये क्या है? ये सर हैंड ब्रेक है इसका, ये हैंड ब्रेक, इसको खींच देते ना गाड़ी, मतलब आगे पीछे चल नहीं पाती, जाम रहती है जी। अब ये जुगाड़बाजी लगा रखी पुरानी मशीन है, देखो जी अपना पंखा है भाई, काफी पुरानी है, लगभग कितने साल पुरानी हो गई होगी आपके? ये सर 10 मॉडल है, 2010 मॉडल, 2010 तो अब 12 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं। और यहाँ से ये सब इसका प्लेटफॉर्म क्या है? ये सर तो अगली वाली लाइट है ऊपर वाली इसकी। अच्छा, जो रात के समय में जो हमें चांद दिखाती है। अच्छा, जो ऊपर की तरफ दी गई है, आगे है जी, ठीक है। अच्छा, ये है सर पिछली लाइट। अच्छा, ये जो हम पॉकेट चलाते हैं, मट्टी लोड करते हैं गाड़ियों में, तो उसको दिखाने के लिए इसकी चटकनी यहाँ पर दी गई है। ये केपीसी की है, जो हम अगर किसी खुदाई कर रहे हैं साइड में दीवार इधर खड़ी है तो हम अपने केपीसी को साइड में ले सकते हैं इस चटकनी को ऑन करके सहारे से जी। ये और ये किस तरह का लीवर? ये सर जैसे ट्रैक्टर में हाथ की रेस होती है। हाँ जी, तो अगर हम सीट घुमाकर इस तरीके से हम रेस तो आगे पकड़ नहीं सकते सर, तो इसको हम इस तरीके से खींच लेते हैं रेस को। ये रेस हमारी खींच गई है, खींच गई है, यहाँ पर मीटर का पता लग जाता है कितनी हमारी रेस खींच चुकी है हम जी। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद में हमारे लीवर आ जाते हैं, फिर इन लीवरों से हम अपने बूम चलाते हैं जी, इन लीवरों से जी। अब ये क्या होता ये है? ये सर इसके स्टेप लेवल, जो हमारी मशीन आगे पीछे को ना भागे। अच्छा, जैसे हम खुदाई कर रहे हैं लोड पड़ रहा मशीन पे, जी, हाँ, हाँ। तो हमारी मशीन आगे पीछे को ना भाग सके, बिल्कुल एक जगह स्थिर होकर काम करे, एक जगह स्थिर होकर काम करे। ये स्टेप लेवल यानी कि इसको जैक बोलते हैं, पर हम तो बस वैसे स्टेप लेवल बोलते हैं इनको जी जी। और अगर इस पे जैसे मान ले काम करने की बात करें तो एक आदमी इस पे कितने घंटों बैठकर काम कर सकता है? इसमें सर ऑपरेटर की इच्छा, जितना काम हो बस काम के अनुसार मैं बोलता हूँ 10 घंटे लगातार चला सकता है। 10 घंटे लगातार जी। और एक बार अगर हम इसकी बात करें तो 10 घंटे में यानी 1 घंटे में कितना तेल खाती है अगर मान ले लोड पे चल रही है? लोड पे हाँ जी, ये 1 घंटे में कम से कम तो 4.5 से 5 का एवरेज है 10 मॉडल का मशीन का, उसका 4 से 5 का जी जी। और लोड पे, लोड पे जी। और अगर ये मतलब खाली है, मतलब रोड पे चल रही है तो? रोड पे चल रही है, इसका कम है हाँ, वो करीब 4 से 3.5 तक हो जाएगा जी। हाँ जी, तो आज आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगर इसे कोई जेसीबी चलाना सीखना चाहता है तो क्या वो आपके पास आ सकता है? किस तरह से? बिल्कुल, उसका सिस्टम ऐसा, हम जो हमारे मालिक हैं सर, हाँ जी, हमारे मालिक बोलते हैं उसको खाना देंगे, रहना देंगे, कपड़े लेते सब खर्चा देंगे जी, उसको सिखाएंगे जी, अगर वो घर जाएगा उसको खर्चा भी देंगे घर जाने का। हाँ जी, लेकिन सीखने का कोई पैसा नहीं देते हम जी। लेकिन हाँ, ये है कोई भी कैसे आदमी हमारे पास आ जाए 3 से 4 महीने तक उसको हम फिट कर देते हैं, सिखा के 5 महीने में आराम से वो सीख जाएगा। और अगर बात करते हैं, अगर कोई आपसे बाहर मंगाता है आपकी जेसीबी तो आप एग्री हैं उस चीज के लिए? बाहर जाते हैं हाँ हाँ, लेकिन अनुसार उसके जैसे अगर काम थोड़ा है हाँ, तो हम उससे पहले रास्ते का चार्ज लेंगे, क्योंकि हमारा एवरेज बिगड़ता नहीं है। बिल्कुल, अगर ज्यादा काम है हमारा समय का हाँ जी, तो उसको हम उससे कोई समय नहीं मांगते, क्योंकि हमारा औसत आ जाता है जब घंटे ज्यादा चल जाती है। हाँ जी हाँ जी। और तो आप एक बार अगर जैसे कोई इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना या बुलाना चाहता है तो आप अपना एक बार नंबर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, नंबर आपका
84 39 60 98 38 ये नंबर मेरा खुद का है, कमल सैनी, कमल सैनी, ग्राम पवड़सा, पोस्ट दुराड़ा, तहसील सरदना, जिला मेरठ। जी जी, तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एक चीज और सर जी, ये जेसीबी एक ऐसी चीज है, हाँ जी, जो सर किसी का इमरजेंसी कितने काम पड़ जो जी वो अपनी जेसीबी को बुलाता है, क्योंकि उसे पता है मेरा काम जल्दी जेसीबी से हो सकता है। जी जी, अगर लेबर से करवाओगे 10 लेबर 2 घंटे में कर पाएगी जी, ये 5-10 मिनट में अपना काम निपटा देगी। तो यानी कि कितने लोगों का काम कर सकती है ये एक साथ? एक साथ तो जितना चाहे उतना करवा लो जी। अच्छा जी, हाँ जी, यानी हाँ उस हिसाब से लगा सकते हैं किसान भाइयों, अगर आपको एक ट्रॉली भरानी है तो उसे दो मजदूर कम से कम 1.5-2 घंटे में भरे, 1.5-2 घंटे भरेगी, वो भी जब अगर वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। ये एक मिनट में ट्रॉली भर देती है, एक मिनट में, यानी कि घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का सेकंड में। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।